हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैश्य कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे पानी और दही वाली बहुत ही टेस्टी ये मिर्ची फ्राई, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमने मिर्ची को अच्छे से धो करके इसको पोंछ लिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, बीज से कट लगा देंगे। पीछे का भाग आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ज़्यादा बड़ी मिर्ची है तो बीज से आप आधा बीज को कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी मिर्ची के बीच में से कट लगा देंगे, ताकि जो हमारा दही और पानी है दोनों अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और हमारी मिर्ची जो है अंदर से भी उतनी ही टेस्टी हो। तो हम सारी मिर्चियों को इसी तरीके से हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो सारी मिर्ची को मैंने कट लगा लिया है, आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कढ़ाई, इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे, आधा ग्लास से भी थोड़ा कम पानी है। और 5 से 6 चम्मच के करीब हम यहाँ पे दही यूज़ कर रहे हैं। तो 6 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दही डाला है और इसको लगातार आपको चलाना है, जब तक कि दही और पानी में एक बॉइल अच्छा सा ना आ जाए। तब तक आप चलाते रहें, नहीं तो दही फट जाएगी। तो अच्छे से आपको कंटिन्यूसली दही को चलाते रहना है। जब एक अच्छा सा बॉईल आने लगे तब हम इसमें मिर्ची को ऐड कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी ये मिर्च फ्राई बनके तैयार होती है। आप इसको दाल चावल के साथ, रोटी पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और झटपट बन जाती है। अब हम इसमें एक मिर्ची, हम इसमें सारी मिर्चियों को डाल देंगे, क्योंकि हमारे दही और पानी जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अब मिर्ची को इसमें डाल करके अच्छे से आपको इसको मिक्स कर लेना है और इसी तरीके से कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है, जब तक जो दही और पानी का मिक्स है वो अच्छे से मिर्ची एब्जॉर्ब ना कर ले, तब तक आपको इसको लगातार चलाते रहना है, तब तक ये पूरा पानी कढ़ाई में से ख़त्म ना हो जाए। कंटिन्यूसली आपको इसी तरह इसको चलाते रहना है, जब तक कि सारा पानी अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए मिर्ची में। हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसको लगातार इसी तरीके से हाई फ्लेम पे चलाते रहेंगे। मीडियम टू हाई में आप इसको चलाएं। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि ये जो मिर्चियां हैं वो सारा पानी सोख लेंगी। तो ये देखिए, सारा पानी धीरे धीरे करके मिर्ची ने सोख लिया है, यानी कि जो दही है हमारा वो अच्छे से मिर्ची के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है, दही का अच्छा सा फ्लेवर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, डालेंगे हम 2 से 3 चम्मच के करीब। तो हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। अब जो भी ऑयल खाते हो वो डाल सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक आपको और फ्राई करना है, जिससे इसमें अच्छे से क्रिस्पीनेस आ जाए, जिसे खाने में और भी टेस्टी लगेगी। 2 से 3 मिनट आप इसको और फ्राई कर लें, जिससे ये दही से सॉफ्ट हो गई थी और तेल से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अच्छे से आप इसको, ये देखिए हमारी मिर्ची बिल्कुल बढ़िया से बन के रेडी हो चुकी है। ये देखिए, आप इसको अचार के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो करें हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड ऐसी और भी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।